हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, इट्स अ ट्रेलर, और ट्रेलर है अवतार का द वे ऑफ वाटर। ये ऑफिशियल ट्रेलर है। अच्छा, आपने रिक्वेस्ट की थी हिंदी वर्जन की, पर फॉर सम रीज़न कई ऐसे वीडियोस होते हैं जो यूएस में जो है वो अलाउ ही नहीं करते उनको। तो कई बार याद हिंदी में देखने में। मेरे को भी वही था। तो मैंने जो आप लोगों ने लिंक भेजा था उसको क्लिक किया, उन्होंने वो ब्लॉक किया। वह कहते हैं कि ये यूएसए में नहीं अलाउड है। तो कई ऐसे वीडियोस होते हैं जब आप रिक्वेस्ट करते हो और आप बोलते हो क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, वो यूएसए में फॉर सम रीजन वो ब्लॉक कर देते हैं। इसकी भी गारंटी नहीं, दिखाने देते नहीं देते। हाँ, एग्जैक्टली। पर चलो, हम ये देखेंगे ट्रेलर और मजे करेंगे। ट्रीजर तो हमने देखा ही देखा है। yes. तो और बहुत अवेटेड है, बहुत एक्साइटमेंट है इस मूवी के लिए। काफी साल बाद आ रही है। हाँ। और कह रहे हैं कि हमेशा इनकी मूवीज इनोवेटिव होती हैं। हाँ। जो फोटोग्राफी दिखती है, जो चीजें दिखती हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड होती हैं। विजुअल इफेक्ट्स ऑफ फैंटास्टिक। बिल्कुल। और इस बारी का होप तो यही है कि पिछले वाले से बेटर होना चाहिए। yes. क्योंकि उस इतने सालों के बाद टेक्नोलॉजी और बेटर हुई। अब वो कह रहे हैं कि इतनी प्रिपरेशन करके आए हैं कि उसके बाद मेरे ख्याल से लगातार एवरी ईयर एक एक आएगी। गुड, फिर तो अच्छा है, क्योंकि इस बार गैप नहीं आएगा। तो इसीलिए बहुत गैप लगा है। कहने में तो यही है कि इस बार आएगी, फिर अगली रिकॉर्ड आएगी। सो दे आर गोइंग टू मेक क्विक सक्सेशन में, देखते फिर हैं। तो अच्छा है, क्योंकि इसमें भारी गैप इतना हो गया कि वो जो एक्साइटमेंट right. थी ना, वो खत्म हो गई। और हमने जब देखी थी अवतार, तब ऋषि मेरे ख्याल से बहुत छोटा था, बहुत छोटा। और हमने 3D में देखी थी, ऐना के लगा के, और ऋषि भी उसको ऐसे देख रहा, छुटकू सा बच्चा वो भी ऐसे करके देख रहा। तो मैं उसको एक्सप्लेन करी थी, ऋषि ये देखो, अब ये हो रहा है, ये देख बटरफ्लाई कैसे उड़ के आ रही है, ऋषि देखिए हमारे पास आ रही है। उसके बाद जो है, काफी सालों बाद उसने दोबारा देखी है, उसने अपनी रखी हुई है, उसने अपने पास रखी हुई है कि मैंने फिर से देखनी है। जब वो फिर देख चुका है, पर जब मूवी आएगी उससे पहले मैं वो देखूंगा। हमने कहा फिर जब हम मिलके ही देखेंगे ताकि रिविजन हो जाए, क्योंकि अब मुझे अभी स्टोरी ऐसा इतनी याद नहीं है, बस विजुअल्स पता थे कि बड़े मजेदार थे और देखनी थी। जब मैंने कहा था कि इसका नेक्स्ट आएगा तो वो भी हमने 3D में ही देखना है। आप लोग भी जब देखो 3D में ही देखना, क्योंकि नॉर्मल देखने में उतना मजा नहीं आएगा जितना 3D में आएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। हमारे दूसरे दो चैनल्स, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं, उनके लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ट्री है जो I hear her heartbeat. She's so close. So what does her heartbeat sound like? किसकी हार्डवे की बात कर रहे हैं? Mighty. We cannot let you bring your war here. Outcast. That's all they see. I see you. The way of water connects all things. Before your birth and after your death. This is our home! I need you with me. And I need you to be strong. फ्रेंड्स, मैं कंपेयर कर रही थी पिछले वाले का, मैं विजुअल्स की बात कर रही हूँ, तो मेरे को इसमें सारा पानी के अंदर है।
और मेरे को पर्सनली जो पिछली बारी था ना, जो पेड़ और स्काई, वो ग्रीनरी, वो फ्लावर्स और वो जैसे बटरफ्लाइज और उस टाइप की वो ब्राइट जो विजुअल्स थे, वो मैंने इसमें मिस किए. इसमें सारा बेसिकली पानी पानी था. तो आई डोंट नो कि पहले से विजुअल्स उतने सुंदर और माइंड ब्लोइंग होंगे कि नहीं, क्योंकि ये डार्क, सारे में डार्कनेस दिखी मुझे. पर होंगे तो अच्छे, बट अगर कंपेयर करो जो आपको वो ब्यूटी और जो आंखों में सुकून जो लास्ट वाली में मिला था ना, वो इसमें मिलता है कि नहीं वो पता नहीं है. क्योंकि उसमें तो मैं वाव वाव करती हूँ, मैं कहता हूँ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इतनी ग्रीनरी, ओए ऐसे प्लांट्स, ऊपर वो रह रहे हैं पेड़ों के ऊपर इतनी ऊंचाई पे, वो बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया था. अब वो मुझे लग रहा है नीचे पानी में ही सारा कुछ स्टोरी हो रही है, और क्या स्टोरी है मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ. और मैं तो पहली वाला पार्ट भी भूली हुई हूँ, तो वो मैं वेट करूंगी. दिसंबर 16 को आ रही है भाई, पर लग रही बहुत इंटरेस्टिंग. मतलब पूरा टाइम ऐसे ध्यान से देख रहे थे, ट्रेलर मेरा देखा जा रहा था कि कुछ समझने के लिए बड़े ध्यान से देखो, कुछ मिस ना हो जाए. ये ऐसे मतलब मूवी होनी ऐसी चाहिए कि आपको यूं ध्यान से देखना पड़े, ये नहीं हो यार कभी उधर उधर, आप पूरा आपको ग्रैब करके रखा हुआ था. राइट, मतलब देखिए वाटर पे शूटिंग हुई लग रहा है, वाटर के अंदर हुई है शूटिंग, जो और टफ है. वैसे एक फिक्टिशियस मतलब नकली फिशेस नज़र आ रहे जो रियलिटी में नहीं है, तो उन्होंने बहुत जान लगाई इन चीज़ों में, ऑर्गेनिजम्स दिखाने में कि ये एलियन जगह है. अगर आप किसी और प्लैनेट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको चीज़ें वो होनी चाहिए जो अर्थ से मैच ना करती हों. उसके लिए वो चमकती हुई चीज़ें आ रही हैं, उनके चेहरे अलग हैं, बॉडीज अलग हैं, और चलिए तीर कमान ले लिया, कुछ कुछ सिमिलैरिटी हैं, मगर जिस तरीके से वो उड़ते हुए प्लांट्स आ रहे हैं, प्लांट्स जो है उनसे हाथ मिला सकते हैं, पानी के अंदर जो फिशेज आ रही थी, तो मतलब कुछ डॉल्फिन टाइप और स्टार फिश टाइप, सी हॉर्स टाइप ले लिया, सी हॉर्सों में आप बैठ के जा रहे हो, मतलब उस टाइप की चीज़ें. छोटा सा सी हॉर्स होता है, बड़ा बना दिया, बैठ के जा रहे हैं, डिफरेंट वेपन्स आ गए. तो मतलब दिखा रहे हैं कि आउट किसी और प्लैनेट में लाइफ ऐसे है. फिर उनका वो आइकॉनिक ट्री भी आ रहा है जिससे पावर आती है, उसमें रेज आ रही हैं. तो आपको कहने का मतलब, जब मूवी देखने जाते हैं तो आप, उन्होंने आपको 1.5-2 घंटे के लिए किसी और प्लैनेट में लेके चले गए हैं. आप किसी और प्लैनेट की स्टोरी देख रहे हैं, बहुत डिटेल में नज़र आ रही है. अगर 3D लग रहा है तो 3D हम लेते हैं, तो 3D में आपको लगता है वहीं पर ही हैं. उसी का ग्रेटनेस था, क्योंकि आपको वो 2 घंटे में ऐसा लगा, अरे मैं तो कहीं और ही पहुंच गया हूं, किसी और प्लैनेट का पूरा देख दूख के वापस आ गया. कई मूवीज़ बनी है, बट इतनी ज़बरदस्त पहले कोई मूवी नहीं थी जहाँ पर हर चीज़ आपको लग रहा था ये डेफिनेटली अर्थ नहीं है, ये कोई और प्लैनेट है. आप वहाँ पहुँच जाते, लोग नहीं है, सिमिलर एट्रीब्यूट्स लोगों में हैं, मगर आपको नज़र आ रहा है कैसे उनकी बॉडीज हैं, कैसे उनकी पीछे टेल है, कैसे कान है, कैसे आँख है, जिस तरीके से बनाया है, क्योंकि स्टोरी है. राइट, उस स्टोरी को इतना अच्छा दिखाया है कि आपको 2 घंटे के लिए लगेगा यस मैं अर्थ में नहीं हूँ, उसी की ग्रेटनेस है. तो वेरी नाइस. और इसमें स्टोरी में ऐसे लग रहा है कि मेरे ख्याल से ब्लू लोग हैं, एक हैं, एक ग्रीन वाले हैं, और इन भाई साहब के बच्चे भी हो गए हैं, तो बच्चों को सिखा रहे हैं. पूरी फैमिली है, फिर कोई आग लग जाती है जैसे दिखा रहे थे, पानी में चले जाते रोबोट्स या ह्यूमंस दिखा रहे हैं, पता नहीं बहुत कुछ हो रहा है उसमें, बहुत कुछ हो रहा है. और स्टार्टिंग में दिखाया था जो मेन हीरो थे, जो ह्यूमन बीइंग थे, वो परमानेंटली उनसे मर्ज हो गए थे, वो परमानेंटली उनके जैसे बन गए हैं, क्योंकि उनके पैर नहीं चलते थे. तो पैर नहीं चलते थे, मगर जब वो इनकी शेप लेते थे, मतलब उनकी होस्ट की बॉडी में जाके कंट्रोल करते थे, तो पैर चलते थे. तो उनको अगर मैं तो परमानेंटली वहीं जा रहा, तो परमानेंट उन्होंने जो भी कुछ किया था प्रोसीजर, परमानेंटली उनको वैसा बना दिया था. तो उसके बाद मूवी आगे चल रही है, बट वेरी नाइस. और इसमें अप्रिशिएट करने वाली बात यह है कि अवतार कह रहे हैं, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है अवतार का, कि इंसान जो है मृत्यु होती है और फिर उस भगवान रूप लेते हैं, और आपकी प्लैनेट में भगवान आते हैं. राइट, इतने भगवान में हज़ारों प्लैनेट हैं, मतलब भगवान ने जन्म लिया तुम्हारे प्लैनेट में एज अवतार. तो वही हो रहा है कि वो बंदा जो है उस पहले ह्यूमन था, अब कहाँ से उसने एक रूप ले लिया और ये इसमें चला गया. वेरी नाइस, बिल्कुल अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग जो है स्टोरी है, और जो विजुअल्स हैं अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग. तो एक्साइटमेंट है, आप बताओ आपको है कि नहीं. आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, कैसे लगा आपको ट्रेलर. चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.